आज हम बनाएंगे दही बड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज रेसिपी जो आई है वो है दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से फेवरेट डिश है ये, और ये हमने बनाई है ईद के मौके पर और सोचा आपके लोगों के साथ भी हम शेयर कर लेते हैं इसको। तो चलते हैं हम इसको बनाने के लिए बहुत ईजी सा वे में। तो जी, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है उड़द की दाल, वो भी 500 ग्राम है, और हमने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। और अब हमने इसको थोड़ा सा वॉश आउट कर लिया है। यहाँ हमने इमलियाँ ली हैं 200 ग्राम, तो ये भी हमने रात भर सोक करने के लिए छोड़ दी थी। और ये सेकेंड डे है तो अब हम इसका पल्प निकालेंगे, लेकिन पल्प हम बाद में निकालेंगे, पहले हम जो है वो दाल को पीस लेंगे क्योंकि हमें पहले बड़े तैयार करना है, ठीक है ना। इसको अच्छे से हमने सादे पानी में भिगो दिया था और ये अच्छे से अब इसका जो है पल्प जो है निकल रहा है, तो इसको हम बाद में निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालना है वो भी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें अपनी जो दाल है उसको पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आप डाल दें अगर इसको पीसने में ज़्यादा मुश्किल आए तो। तो जी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि हमें वैसे भी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, और इसका बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट ना बनाए क्योंकि दानेदार जो दही बड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैंने थोड़ा सा दरदरा इसको कॉर्सली ग्राइंड किया है, तो आप भी चाहें तो इसको कॉर्सली ग्राइंड यानी कि दरदरा पीस लें, या फिर आप बिल्कुल इसका फ़ाइन पेस्ट बना सकते हैं। तो जी, ये सब हमने पीस लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था और हमें बैटर चाहिए इसका थोड़ा सा पतला, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा उसका मतलब भजियों जैसा, जैसे पकोड़े का जो बैटर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसा, कितनी कंसिस्टेंसी आपको रखना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो है इसको फेंटते जब आप फेंटेंगे इसको तो एक ही साइड से इसको फेंटना है, इसको डबल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको नहीं करना है। जिस आप डायरेक्शन में इसको स्टार्ट कर रहे हैं उसी पर ही आपको फिनिश करना है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पार्ट है इसका बहुत तो मेंशन करता है क्योंकि आपको कम से कम इसको 20 से 25 मिनट तक हाथ से कर ले तो ज़्यादा बेटर है। आपको इसको फेंटना है एक ही डायरेक्शन में और ये फिटते फिटते एकदम एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो है थोड़ा सा फ्लपी हो जाएगा। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। फ़िलहाल हम अपने हाथ से ही इसको कर रहे हैं, तो ये 20-25 मिनट तक हम इसको करने के बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जी, हमने फेंट लिया है इसको अच्छे से और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ये दानेदार है और इतना इसका जो है थिकनेस है, ताकि हम इसके बड़े जो है आराम से बना सकें, हाथ में हमारे होल्ड हो जाए। और इसको ऑयल में जाने के बाद ये थोड़े से फूल जाएंगे तो इसका स्पॉन्जी हो जाए, ये थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है जी। हम अब रख दिया था हमने इसको एक घंटे के लिए, और एक घंटे के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा मॉइस्चर कम हो गया है इसका, तो आप थोड़ा सा चाहें तो 1-2 टेबलस्पून के बराबर पानी मिला लें। और इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसको अच्छे से हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये सही से हुआ है या नहीं, आप इसको एक बॉल में थोड़ा सा पानी लेकर और थोड़ा सा पोर्शन इसका टपका कर देख लें, अगर वो इमीडिएटली ऊपर आ जाता है तो दैट मीन्स इट्स परफेक्ट, नहीं तो आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए और इसको बीट कर लें। यहाँ हमने हमारे आज चूल्हे पर बनाने का दिल था क्योंकि ये गर्मी लग रही थी, किचन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा खुले एरिए में हमने ये टेम्परेरी जो चूल्हा है वो हमने बनाया और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। यह हलवाई वाली कढ़ाई ले ली हमने, तो इसमें जो तेल है उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, मीडियम हॉट ऑयल में आपको इसको फ्राई करना है क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ये ऊपर से तो आपको लगेंगे कि हाँ ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं और ब्राउन हो गए हैं, लेकिन अंदर से दाल जो है वो गीली रहेगी और वो कच्ची रहेगी, तो इसलिए आप मेक श्योर कि आप जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है जी।
इसलिए, और क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम आराम से गैस पर, तो कब तक हम खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे, इसलिए हम यहाँ चूल्हे पे साइड में बैठकर आराम से इसको फ्राई कर रहे थे। और कभी कभी शौक भी हो जाता है हम लोगों को कि चलो आज कुछ नया करें, कहीं बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कुछ घर में ही कुछ ऐसा करें कि जिससे बिज़ी हो, टाइम पास हो, इसलिए हमने ये सोचा कि चूल्हे पर बनाते हैं। तो ये जी ये गोल्डन गोल्डन होने लगे हैं, ये थोड़ा सा जो है अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। आज जो है वो हमने मीडियम ही रखी है, आप देख सकते हैं। और इसको जो है कलर एकदम, आप अगर मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर एकदम से रेड या ब्राउन नहीं होगा, और हल्का हल्का ब्राउन होगा, तो वो जो पानी में हम डालेंगे तो वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। और यही दही बड़ों का मेन रंग होता है, कलर होता है, जो हमें चाहिए होता है। तो ये देखें जी, 15-1 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लेना है। ये हमारे बड़े बिल्कुल तैयार हैं, देख सकते हैं आप इसमें कितना अच्छा कलर आया है, और ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल पके हुए हैं, इसमें कोई कच्चापन नहीं रह गया है, क्योंकि हमने इसको बहुत धीमी आंच पर बनाया है। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से जितना भी आप साइज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहे, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ठीक है जी, ये देखें हमारे बड़े तैयार हैं, और दूसरा बेच हम तल इसका फ्राई करते हैं। इस बार मैं थोड़ा से बड़े जो साइज़ है उसका मैंने बड़ा कर दिया है साइज़। देखिए जी, केयरफुली आप इसमें डिप करें, क्योंकि गरम तेल है और हाथ जल सकता है। ये देखिए, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद आप इसको स्टर करें, क्योंकि जब ये गीले रहते हैं तो थोड़ा सा शेप इनका ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये सारे बड़े हम इसी तरह से तल लेंगे और एक अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखें आप कितने स्पॉन्जी हैं, और अंदर से ये जो जालीदार जब ये हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुका है। ये देखें बहुत सॉफ्ट है, ये ऊपर से हल्की सी क्रंचीनेस है और अंदर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये पानी में जाने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ये अंदर तक बिल्कुल कच्चापन नहीं रह गया इसमें। तो चले जी, हमारे बड़े तैयार हो गए, अब इसको हटाते हैं एक तरफ। सेकंड चीज़ हम बनाते हैं चटनी इमली की और गुड़ की। तो ये जो पल्प है इसको हमें अच्छे से हाथ से पहले थोड़ा सा मसल लेना है, ताकि जो है मोटा मोटा पल्प तो आ ही जाए, उसके बाद फिर हम एक छन्नी से उसको छान लेंगे। ठीक है जी, तो ये 200 ग्राम हमने इमली ली है, और रात भर हमने इसको सोख किया अच्छे पानी से, पहले हमने वॉश कर लिया ताकि उसको जितनी डस्ट वगैरह होती है मार्केट से जब लाते हैं तो वो सब दूर हो जाए। अब हमें एक जो बर्तन है जो हमें चूल्हे पर यूज़ करते हैं ख़ास तौर से, वो हमने ले लिया है, उसके अंदर हमने छन्नी रख कर और इसको पल्प को छान लेना है। ठीक है जी, अब जितना पल्प आ गया वो तो आ ही गया है, अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे चम्मच से और बाकी भी हम इसे निकाल देंगे। इसमें तो पानी ज़्यादा डलना ही है, तो आप इसको बीच में पानी से थोड़ा सा और मसल सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक पानी इसमें डालना है, क्योंकि जब ये कम आँच पर पकेगी तो पकते 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 बहुत हमें गाढ़ी करना है, इसलिए हमें इसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमने अच्छे से पल्प जो है वो पूरा आ जाएगा, इसके जो सीड्स वगैरह हैं वो सब इस पर रह जाएंगे। ये चटनी जो है वो आप कभी भी रेडी करके रख ले, आराम से फ्रिज में स्टोर करने के बाद आप 1-1.5 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है इसमें, कुछ ख़राबी नहीं आती। ठीक है ना, अब हमने इसमें पानी डाल दिया और इसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने ज़ीरा डाला है 1 चम्मच, इसके बाद हमने धनिया लिया है 1 चम्मच। तो उसको हल्का सा आप हाथ से मसल लें और उसके बाद आप डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन ये पकने के बाद कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ हमने सौंफ डाल दी है 1 चम्मच, सौंफ का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देना है 1 चम्मच, और उसके बाद हमें डालना है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक 1 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चटनी जो है थोड़ा सा डाइजेस्टिव भी हो जाती है। और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये लिया है हमने गुड़, तो ये 600 ग्राम लिया है टोटल। लेकिन अभी हमने यहाँ पर डाला है
आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स, और 100 ग्राम्स हम बाद में डालेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो डाला था, फिर बाद में मैंने टेस्ट किया तो वो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 100 ग्राम और ऐड किया, इसलिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम मेंशन किया है। आप भी 600 ग्राम ही लें। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं हमारे चूल्हे पे और चटनी को अब पकने देना है। ये सारा जो गुड़ हमने डाला है इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये जो आपको स्पाइसेस दिख रही हैं पकने के बाद इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और चटनी में ये समा जाएंगी, बिल्कुल आपको अलग से बिल्कुल नहीं चमकेंगी। ये देखें हमारी चटनी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और आप इसको चलाते रहें और जब तक एक अच्छी थिकनेस नहीं आ जाती तब तक आप इसको पकाते रहें। ये देखिए कम आंच पर छोड़ देना है इसको, 1-1.5 घंटे में ये आराम से तैयार हो जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। ये जो मैं आपसे बोल रही थी 100 ग्राम्स मैंने बाद में डाला है तो ये मैंने बाद में डाल दिया। ठीक है जी, अब हमें इसको पकाते रहना है कम आंच के ऊपर और आप इसके जो है चलाते रहें बीच बीच में, अच्छा से बॉयल आ जाएगा और इसके बाद हमारी चटनी भी रेडी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आंच भी मीडियम है। अब चलते हैं हम इसके लिए दही तैयार करते हैं बड़ों के लिए। तो ये हमारा होममेड दही है, ये हमने घर में जमाया है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है इसकी। कभी इंशाल्लाह होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमें अभी जितना हमें दही बड़े सोक करना है उस हिसाब से हम दही निकाल लेते हैं और अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको साइड से दिख रहा है आप इसी का पानी यूज़ कर सकते हैं थिकनेस मेंटेन करने के लिए। और इसको अच्छे से विस्क कर लें। ये देखिए जी, घर के दही की बात ही अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हमारे घर का दही बिल्कुल मार्केट की तरह ही लगता है। इसमें हम फ्लेवर के ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम डाल देंगे काला नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। बस हमें ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने जो है वो मसाला तैयार करेंगे उसमें वो आ जाएंगी। तो ये देखिए जी, काली मिर्च का पाउडर हो गया तो ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगा, खूबसूरती से इंसान जो है अगर खाने को अच्छी तरह से उसकी प्लेटिंग की जाए तो उसको खाने के लिए जो है भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी बनाएं बहुत अच्छे से बनाएं, बहुत दिल से बनाएं। तो चलें आप मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि सारे जो 2-3 मसाले हम डालेंगे, चाट मसाला और उसमें भी पहले से नमक होता है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे इसमें। और ये 5-6 मसालों का मिक्स तैयार हो चुका है हमारा दही बड़ों के लिए। आप इसको ऊपर से स्प्रिंकल करके दही बड़ों के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप ये सारी चीज़ें जो हैं, जो दही हमने बनाया और ये मसाला जो बनाया है और जो इमली की चटनी बनाई है, वो आप किसी भी चाट के साथ भी आप इसको असेंबल कर सकते हैं, उसमें भी ये तीनों चीज़ें काम आ जाएंगी। अब जी हमें बनाना है फाइनली दही बड़े की प्लेटिंग। तो हमने कर लिया है अच्छा गर्म पानी, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है और हमने इसमें अपने जो बड़े हैं वो सोक करने के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे ताकि जो बड़े हैं वो अंदर तक डिप हो जाए पानी के अंदर। पानी आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा भी इसको छोड़ देंगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये देखें आप, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है और यही हमें चाहिए था। इसको हल्के हाथों से आप पहले पानी को प्रेस करके इसका पानी जो है वो निकाल लें, जितना भी एक्सेस इसमें वाटर है वो निकाल दें। ऊपर से आप दही डालें, चटनी डालें, सेव डालें, मसाला डालें, उसके बाद बस शुरू हो जाए। बहुत टेस्टी डिश लगती है ये, सबसे इजी वे है इसको बनाने का और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। ये चटनी अभी हमारी थोड़ी सी पतली है क्योंकि ये जो है अभी हल्की सी गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। फ्रिज में रखने के बाद 2-3 घंटे बाद ये और अच्छे से थिक हो जाएगी। ठीक है जी, आपको जितनी कम ज़्यादा पसंद है तो आप डालें, ऊपर से ये मसाला डालें और सेव डालें। अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर कुछ और ज़्यादा ग्रीनरी भी लगे तो इसमें हरी चटनी जो होती है वो आप डाल सकते हैं, धनिया पुदीना और लहसुन वाली। ऊपर से ज़रा सी चटनी और डाल देते हैं।
तो जी ये हमारे पांडे जी के दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दानेदार लग रहे हैं और अंदर तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये चूल्हे पे बने हैं और बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी स्मोक की जो है स्मेल नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। आप भी बनाएं और अपने गेस्ट को खिलाएं। सारे गेस्ट आपके लिए आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और मुझे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगे हैं ये आपको, बनाइएगा ज़रूर। और मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।